यहाँ पे देखिएगा कि सेट क्या है कि ए वन थ्री फोर फाइव और बी क्या है फोर फोर टू फोर सिक्स एट है फाइंडिंग द ए माइनस बी एंड बी माइनस का ए तो यहां से देखिएगा कि पहले तो अपने पास देखिएगा क्या है सोल्यूशन <laughs> तो ए सेट तो आपके पास दिया हुआ है वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स ठीक है जी और यहाँ पे बी आपको दिया हुआ क्या है कि टू फोर सिक्स एट अब अपने को पहली चीज तो ये पूछा है कि भाई आपको बताओ कि a माइनस बी कितना होगा वही बात तो यहाँ से क्या करने वाले हैं हम a सेट को पकड़ेंगे भाई a सेट क्या है a सेट इधर आ तू बहुत उमरा था आज तेरी क्लास लगानी है हमें तो यहाँ से a माइनस बी कर दो b क्या है अपने पास तो फोर सिक्स और एट है यही है अब इसमें से क्या कर दो कि हमें क्या चाहिए जो इस साइड की जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना उसको हटा दो भाई ये जहाँ पे भी गया ना टू वो उसको क्या मारता है गोली मार देता है उड़ा देता है भाई और यहाँ पे फ़ोर है ये इसको भी क्या मारता है ये फोर इस फोर को गोली मारेगा और यहाँ पे तो सिक्स है ये सिक्स भी इसको गोली मारेगा यानी हटा देता है तो यहाँ पे तीन गोलियाँ चली है भाई कौन गो, कितनी गोलियाँ चली है तीन गोलियाँ चली है तो तीन गोलियाँ है तो तीन यहाँ से उड़ भी जाएंगे तो यहाँ से कितने देखिएगा कि जो ए माइनस का बी का जो सेट आया है वो कौन सा आए भाई देखिएगा कि ए देखिए एक तो वन बचा है इसके अंदर एक थ्री बचा है एक फाइव बचा है ये बचे हैं देख लीजिएगा ठीक है यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ये मत बोलना कि सर एट हमें यही बात करनी है भाई डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं कि हमें कौन से एलिमेंट्स चाहिए भाई कि डिफरेंस ऑफ यानी कि हमें कौन से चाहिए कि सेट ऑफ एलिमेंट विच कंटेंटेंट ओनली विच कंटेंट ओनली सेट रुके रुके इज कॉल्ड ए फ्रॉम बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच कंटेंट ओनली सेट ए एलिमेंट्स ओनली सेट ए यानी कि ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे विच कंटेन ओनली सेट ए एलिमेंट्स ठीक है इसको बोलते हैं ठीक है ओनली सेट ए यहाँ पे एलिमेंट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले वहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है ठीक है तो यहाँ से देखिए ए माइनस बी तो ओनली ए एलिमेंट्स से हमें यहाँ पे लिखने हैं ठीक है इसी में देखिएगा कि बी अब देखिएगा कि बी फोर सेकेंड के लिए क्या है कि बी माइनस का ए इसको कैसे लिखेंगे भाई बी माइनस ए तो यहाँ से बी को तो पहले लाओ बी को लाए तो यहाँ से सिक्स एट और माइनस कर दिया किसको भाई वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स को ठीक है यहाँ पे जैसे इसको अब यहाँ से गोली मारना स्टार्ट होगा यानी यहाँ से अब ये मारेगा तो ये मारेगा तो भाई टू को गोली मारी फिर यहाँ से फोर को गोली मरी फिर यहाँ से सिक्स को गोली मरी ये से सेम टू सेम तो यहाँ पे क्या बचा ये तीन तो खत्म हो गए यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही इनकी डेथ हो गई ये थोड़ा बच गया भाई तो इसको थोड़े क्या है ले लेते हैं भाई बच गया, तो इसको क्यों छोड़ते हैं बी माइनस का ही और यहाँ पे कितना बचा एट तो ए माइनस बी का आंसर आ गया कितना एट आ गया